हेलो दोस्तों, आज हम लोग ब्रिक्स का इफ्लोरिसेंस टेस्ट करने वाले हैं। इफ्लोरिसेंस का दूसरा नाम लोना उत्फूलन होता है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो साल्ट है, हार्मफुल साल्ट है, उसका परसेंटेज कितना है। तो इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि हम रैंडमली 5 ब्रिक्स सेलेक्ट करते हैं और एक पैन में पानी लेते हैं, बाई वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर इसमें पानी लेंगे। उसके बाद पांचों को वर्टिकली 5 ब्रिक्स को खड़ा करेंगे और इसको भीगने देंगे। तो कुछ समय के बाद ये ब्रिक्स हमारा कुछ आधा से अधिक पानी सोख लेगा, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। 2.5 सेंटीमीटर को कंटिन्यू तब तक मेंटेन करेंगे जब से ये हमारा पूरी तरह से भीग न जाए। अगर ये पूरी तरह से भीग गया हो तब हम पानी इसमें डालना बंद कर देंगे और देखेंगे कि ये हमारा कब सूख रहा है। जब सूख जाएगा तो इसके ऊपर वाइट पैचेज आ जाते हैं ब्रिक्स के ऊपर। अगर वाइट पैचेज, सब वाइट पैचेज जो है उनका हमारा एक लिमिट है। अगर 0 to 10% है तो हमारा स्लाइट में होता है, और 10 to 50% है तो मॉडरेट है, उसके 50 से ऊपर जाते हैं तो हमारा सीवियर आता है। और इन तीनों की कैटेगरी को हम देखते हुए क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि हमारा ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के में यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर स्लाइट या मॉडरेट है तो हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2.5 सेंटीमीटर बाई वॉल्यूम हम पानी ले लेंगे, फिर सभी ब्रिक्स को हम इसमें खड़ा करेंगे। ये हमने बाई वॉल्यूम ये 2.5 सेंटीमीटर है ले लिए हैं, और अब हम इसमें ब्रिक्स को खड़ा करेंगे। ये हमने इसमें पानी डाला हुआ है, डाल रखा है 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम सोखने देंगे, और सोख के ये धीरे धीरे पानी ऊपर आएगा, और इसको हम तब तक इसमें पानी भरते रहेंगे जब से ये पूरी तरह से भीग न जाए। और जब भी ये भीग जाएगा तब हम पानी डालना बंद कर देंगे और फिर इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद इसमें देखेंगे कि वाइट पैचेज आ रहे हैं कि नहीं। तो अभी इसको हम सूखने देंगे और फिर पानी डालेंगे। जो हमने कल 2.5 सेंटीमीटर पानी डाला था वो सूख गया था, अभी हमने कुछ डाला है और थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करेंगे। और कुछ ब्रिक्स हमारे अभी भीगे हुए हैं, जैसे ये जो डार्क रेड दिख रहा है, ये और ये और ये, तीन ब्रिक्स भीग पाए हैं अभी तक और दो अभी भीगा नहीं है। तो हम पानी तब तक डालेंगे जब से पूरा भीग न जाए। अभी हमने पानी ऐड किया, थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ये ऐड कर रहे हैं। हो गया, हमने पानी कुछ ऐड कर लिया है। अब इसको हम तब तक छोड़ देंगे जब से ये पूरी तरह से भीग न जाए, जब से पांचों भीग न जाए। भीगने के बाद फिर इसको हम सूखने देंगे और फिर देखेंगे कि क्या इस पे वाइट पैचेज आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहा है तब तो समझेंगे कि इसमें जो साल्ट कंटेंट था वो है, ज़्यादा है, अदरवाइज हम समझेंगे कि इसमें जो हार्मफुल इन्ग्रेडियंट थे वो नहीं है। ये हमारा ब्रिक्स पूरी तरह से वेट हो चुका है और पानी भी सूख गया है। अब हम इसको हम सूखने देंगे, पूरी तरीके से सूखेगा तभी इस पे जो पैचेज हैं आने होंगे आएंगे, और पता चलेगा कि इसमें साल्ट कंपोजिशन कितना है। ये हमारा ब्रिक्स पूरी तरह से सूख गया है, और सूखने के बाद हम देख रहे हैं कि इस पे किसी तरह का वाइट पैचेज नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सोडियम का साल्ट या पोटेशियम का साल्ट होता है वो प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या किया था, शुरू में ये 5 ब्रिक्स लिए और इसको हमने 2.5 सेंटीमीटर बाई वॉल्यूम इसमें पानी लिया इस पैन में, और पांचों को हमने भीगने दिया। तब तक इसमें पानी हम भरते रहेंगे जब से ये हमारा पूरी तरीके से भीग न जाए। तो ये हमारा लगभग 24 घंटे में भीग जाता है पूरी तरह से, और फिर हम इसको छांव में रख देते हैं सूखने के लिए। तो हमने 24 घंटे पहले भीगने दिया था, फिर 24 घंटे सूखने के लिए रख दिए थे, और अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है। सूखने के बाद हम देख रहे हैं कि इस पे किसी तरह के वाइट पैचेज नहीं आए हैं। अगर ज़रा सा भी वाइट पैचेस कहीं कुछ आता तो फिर हम उसको जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी उसे मैच कराते हैं। ये हमारे पांचों ब्रिक्स हैं, इनमें किसी तरह का कोई वाइट पैचेस
नहीं आया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो सोडियम का साल्ट होता है, सोडियम ऑक्साइड का, उससे ये फ्री है। अब हम देखेंगे क्या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी थी और क्या हमारा रिज़ल्ट आया। ये है हमारा कैलकुलेशन। हमने देखा कि जो हमारा ब्रिक्स था, पांच के पांचों ब्रिक्स में किसी तरह का कोई वाइट पैचेस नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा ब्रिक्स नील की कैटेगरी में आ रहा है, इसमें किसी तरह के कोई साल्ट नहीं है। और इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो ब्रिक्स था गुड ब्रिक्स की कैटेगरी में आता है। ये फ्लोरिसेंस के टेस्ट में तो ये हमारा पास हो गया, जिसमें किसी तरह का कोई अल्कली प्रेजेंट नहीं है। जो स्पेशली ये जो हार्मफुल अल्कलीज प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रिक्स में, सोडियम के ऑक्साइड या पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं, जो लोना लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोना या इफ्लोरिसेंस, जिसकी वजह से हमारा ईट एयर के कॉन्टैक्ट में आके झड़ने लगता है या धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसी को कहते हैं लोना लगना। तो ये था आज का हमारा टेस्ट, जिसमें हमने क्या किया था, शुरू में पांच सैंपल लिए ब्रिक्स के और पांचों को हमने पहले 2.5 सेंटीमीटर वॉल्यूम के पानी के वॉल्यूम में हमने इसको भिगोया था और 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रखा था। पानी पहले ख़त्म हुआ कुछ, फिर उस पर हमने पानी भर दिया पैन में और फिर उसको सोखने दिए, और तब तक सोखने दिए जब से हमारा पूरी तरीके से ईंट भीग नहीं गया। तो जब ईंट भीग गया तो उसको हम फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिए। तो 24 घंटा लगभग लगा इसको सूखने के लिए भी, और सूखने के बाद हमने देखा कि इस पर किसी तरह का वाइट पैचेस नहीं आया था। तो इसका मतलब ये हमारा नील की कैटेगरी में है, इसमें किसी तरह का डिपोजिशन नहीं था। तो ये फ्री फ्रॉम अल्कलीज हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।